स्वागत है सभी को यार मेरे YouTube चैनल पे। आपको बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद एंड सबको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एंड साथ में आप लोगों को मन में बहुत ज़्यादा टेंशन अभी के दिन में हो रही कि फ्री फायर एग्जैक्टली बैन हुई या नहीं हुई, तो इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत चर्चा इसलिए करूँगा क्योंकि मेरे को बहुत सारा चीज़ें पता नहीं था और मैंने बहुत सारा चीज़ें मैंने मतलब देखा और सुना भी, और साथ में मैंने खुद भी जाके उस वेबसाइट में भी देखा कि एग्जैक्टली फ्री फायर बंद हुई या नहीं। तो आप लोगों को बहुत सारे ज़्यादा टेंस्ट में हो एंड साथ में बहुत सारा पब्लिक के लिए हुआ कि फ्री फायर एग्जैक्टली बंद हुआ। भाई आप लोगों को मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, जो आप लोग लोग बहुत सारे लोग दिखा रहे कि समझ लो कि आपके आप लोगों के सामने मैं कुछ दिखा रहा हूँ, वो देख के आप लोग मतलब समझ रहे हो कि मतलब एग्जैक्टली फ्री फायर बैन हो गया इसे ऐसे मोदी जी ने कहा है। तो ये बात आप लोगों ने देखिए, यहाँ पे जो आप लोगों ने बैनर देख रहे हैं, कभी भी देखिए मोदी का जो वेबसाइट होता है, जो प्रैक्टिकली जो उसका प्राइवेट वेबसाइट होता है या तो पब्लिकली वेबसाइट होता है, वो किसी भी हालत में कोई भी गवर्नमेंट एक तो आप लोगों को मतलब आमने सामने ऐसे नहीं बताएगा कि हाँ भाई मैंने ऐसे ट्वीट किया हूँ, ऐसे लिख के दिया हूँ कि हाँ फ्री फायर बैन है। कभी भी किसी भी गवर्नमेंट कोई लिख के ऐसे मैसेज में SMS नहीं देता है। दूसरी बात ये है, अगर आप लोग फ्री फायर खेल रहे हो, समझ लो कि आप लोग फ्री फायर अभी भी खेल पा रहे हो, कभी भी एक सेकंड के लिए प्रॉब्लम दिखा कि कभी भी ऐसे दिखा कि दिस सर्वर इज़ नॉट रीचेबल, या तो इस सर्वर पे अभी काम चल रहा है या तो सर्वर भी इज़ वेरी बिजी, बहुत सारे कुछ। और जिन जिन लोगों को ये बोल रहे हैं कि भैया मेरे नेटवर्क हीरो दिखा रहा है, भाई ये आप लोगों का सिम का प्रॉब्लम है। एयरटेल सिम से बंद किया था फ्री फायर को, तो उसी का प्रॉब्लम है। और बाकी हम लोग तो सभी लोग बहुत सारे मज़े में गेम खेल रहे हैं एंड आप लोग भी मज़े में खेलो। जो भी लोग बोलते हैं कि फ्री फायर बैन हो गया, फ्री फायर और आप कभी नहीं आएंगे, भाई मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ और आप लोगों को भी बोलना चाहता हूँ, भाई एक बात आप लोग ध्यान में रखो कि आप अगर फ्री फायर बैन होगी तो आप लोग एक तो प्ले स्टोर में अभी फ्री फायर जो इल्यूमिनेटी ऐप था वो तो आप लोग देखने को नहीं मिला, बट वो कब से देखने को नहीं मिला एक बात आप लोगों ने नोटिस की होगी, हमारे जो फ्री फायर बैन हुई है लगभग 2 दिन हुआ है वो आप लोगों को जानकारी मिली है। उससे पहले लगभग 4 दिन पहले से फ्री फायर ऑल मतलब रात से ऑटोमेटिकली फ्री फायर वहीं से गायब है। वो किस लिए होता है? वो फ्री फायर बैन के लिए होता है, मतलब फ्री फायर बैन के लिए नहीं हुआ था एग्जैक्टली, वो फ्री फायर के ग्लीच की वजह से हुआ था। और अगर आप लोग ऐसे सोचो कि ये सब फलाना हम लोगों को दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी ऐसे SMS किया है, ये MMS भेजा है, ये ऐसे कभी नहीं होता है, और वो 4 दिन पहले गया है, बट 2 दिन से अभी मतलब बैन जितना भी ऐप्स कर रहे हैं वो 54 ऐप 2 दिन में दिखा रहा है, एक बात आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर फ्री फायर बैन भी होता तो फ्री फायर मैक्स आप लोग थोड़ी ना खेल पाते, एक वो तो सेम गेम है ना एग्जैक्टली, वो उनके साथ कनेक्ट है, वो चाइना ऐप्स के साथ कनेक्ट है, वो उसको पार्टनरशिप में, वो अलग बात है भाई, सेम गेम है एग्जैक्टली, आप ध्यान में रखो कि ये सेम गेम है। हाँ मानता हूँ कि वो ऐप फ्री फायर मतलब देता है या तो उसके साथ पार्टनरशिप या चाइना के साथ, बट वो ऐप बंद कर दी। बट अभी के टाइम में जो भी खबर आया है फ्री फायर के पॉलिसी, आप लोग अगर चेक करोगे फ्री फायर के जो मतलब सेटिंग में जाओगे और बेसिक में आप लोगों को नीचे पे दिख जाएंगे कि फ्री फायर का जो प्राइवेसी पॉलिसी होता है उसमें भी आप लोगों को दिखाई दे देगा इंडिया सर्वर में, अगर आप हो तो वहीं पे आप लोगों को ऑटोमेटिकली दिखा देगा। एंड आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट भी मैं दिखा रहा हूँ, ये एग्जैक्टली उसी जगह पर आप लोगों को दिखाई देगा, उसी जगह पर आप लोगों को एक चीज़ें दिखाई देगा कि वहीं पे आपको दिखाई लेकर लिखाई दिखने को मिलेगा कि फ्री फायर एग्जैक्टली इंडिया सर्वर से बैन होगी। सबसे पहले तो वहीं पे आ जाएगा तुम्हारे, बट वो भी अभी तक आया नहीं और कस्टमर सर्विस भी कोई भी प्रोवाइडर कोई भी कुछ लीक भी नहीं है, तो बट भाई आप लोग क्यों इतना डर रहे हो? हाँ ये बात बोल सकता हूँ कि फ्री फायर जो मैक्स है वो बिल्कुल सही चल रहा है, बट जो फ्री फायर है वो मतलब ग्लीच की वजह से उड़ गया या तो वो बैन हो गया, अगर बैन भी हो जाता तो एग्जैक्टली वो गेम अभी तक हम लोग कैसे खेल पाते। मैं खुद खेल रहा हूँ वो गेम, अभी तक खेल रहा हूँ मैं, फ्री फायर मैक्स भी नहीं खेल रहा हूँ, बस वही गेम खेल रहा हूँ। और एक बात सुनिए भाई, फ्री फायर सच में अनबैन होने वाला है सच में, वो भी 1 वीक के अंदर, क्योंकि इंडिया का जो मॉडरेटर है, हम लोगों का जो एम्प्लॉयर्स है इंडिया का, वो खुद बताया कि 1 वीक से 2 वीक के अंदर हम लोगों को जो चाइना के साथ जो पार्टनरशिप है वो हम लोगों ने विथड्रॉ करवा लेगा एंड साथ में डिसमिस करवा दूंगा, वो करके कम से कम 1 से 2 वीक लगेगा वापस आने के लिए मेन फ्री फायर ऐप को प्ले स्टोर में लाने के लिए। और आगे मैं ऐसे ही रात को और जैसे भी मेरे को न्यूज़ आएगा तो आप लोगों को मैं सीधा बता दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड बहुत सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना, जय हिंद जय भारत, फ्री फायर अनबैन हो गई।